फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज मैं आप सबके लिए बिल्कुल आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने एक ही डो से चार तरह की चपाती बनाई है, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। मैंने इसे एक खास ट्रिक के साथ बनाया है, जिससे 24 घंटे तक इसे बिल्कुल सॉफ्ट आप रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, इसे बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप आटा। आटा आप अपने चपाती के हिसाब से ले सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, जो कि छोटे चम्मच से ऐड किया है। इसमें ज़्यादा नमक और चीनी को ऐड नहीं करना है, बिल्कुल छोटे चम्मच से मैंने लिया है। आप अपने आटे के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करें मैं 1 कप दूध, जो कि रूम टेम्परेचर पर है। ठंडा दूध बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, इसे हल्का सा गुनगुना गर्म कर लें अगर ठंडा हो तो। इसे बराबर से मिक्स करते हुए हम 1 कप दूध को इसमें ऐड कर देंगे। बाकी अगर जो आपको कम लगे तो उसमें पानी को आप ऐड कर सकते हैं। देख सकते हैं डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है, लेकिन इसमें एक खास ट्रिक बाकी है, जिसे जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और मेरी रेसिपी को एंजॉय करें। मैंने इसमें 2 चम्मच रिफाइन ऑयल को ऐड किया है। आप अपने आटे के हिसाब से इसमें रिफाइन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो तो उसे कम से कम 10 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट पर रखें। इससे क्या होता है कि हमारी रोटियां बहुत देर तक सॉफ्ट भी रहती हैं और हमें खाने में कोई परेशानी भी नहीं होती है। तो गाइज, इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। गाइज, इसे मैं एक रोल के टाइप पे बना के इसे कट कर ले रही। बराबर से लोइयां बनाने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। गाइज, एक ही डो से मैंने आज 4 तरह की चपाती बना के दिखाई है। तो आप मेरे वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए कि मैंने कौन से ट्रिक के साथ इस चपाती को बनाया है और कितने अच्छे से बनाया है। तो गाइस, सबसे पहले हम तंदूरी पराठा बनाते हैं। इसे हाथ से हम फैला लेंगे। आप अपने शेप के हिसाब से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं बड़े साइज का ही बना रही, क्योंकि अफगानी पराठा बड़े साइज का ही होता है, इसलिए मैं बड़े साइज में ही बना रही। आप छोटा बड़ा इसे अपने साइज में बना सकते हैं। इसमें मैंने कलौंजी ऐड किया हुआ है, जिसे मंगरेला भी बोलते हैं, और कुछ फ्रेश कोरिएंडर। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसमें इसे ऐड कर देंगे। इस बीच हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे 1 मिनट तक कुक होने देंगे। आप देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है इसे कुक होते हुए। इसमें बटर, घी या रिफाइन हम अच्छे से ऐड करेंगे और इसे पलट के गैस पे ही तंदूर की तरह सेक लेंगे। अगर आपके पास चूल्हे पे बना रहे हैं तो उसे चूल्हे पे भी सेक सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तंदूरी पराठा बन के तैयार हो चुका है। इस ट्रिक के साथ आप झटपट से बहुत सारे तंदूर लगा के आप तंदूरी पराठा को इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, इसे बनाना बहुत आसान है, ये बहुत यम्मी बनता है और झटपट से बन भी जाता है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी बन के ये रेडी हुआ है। गाइस, मैं इसे एक ही पीस बना रही, आपको जितना खाना हो उस हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइज, अगला पराठा हमारा चौकोर शेप में होगा। इसे आप अपने शेप में बेल सकते हैं। मैंने इसे चौकोर शेप में बेला है। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत परफेक्ट होता है और बच्चे बहुत खुश होकर इसे इजली खा सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होता है और लंबे समय तक ऐसे ही सॉफ्ट रहता है। गाइज, इस ट्रिक के साथ अगर आप डो को तैयार करेंगे तो आपका पराठा बहुत लंबे समय तक ऐसे ही मुलायम रहेगा और खाने में भी बहुत ईजी रहेगा। इसे हम पलटते हुए अच्छे से सेकेंगे। एक तरफ से सिक जाने के बाद से इसमें बटर, घी या रिफाइन जो आपको पसंद हो उसे इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे लगा के दोनों तरफ से बराबर से हम सेक लेंगे ताकि पराठा हमारा अच्छे से सिक जाए। गैस को हम मीडियम टू हाई रखेंगे ताकि पराठा जले ना और बहुत परफेक्ट तरीके से ये सिक जाए। तो गाइस, आज की मेरी पराठा रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन के घंटी को ज़रूर पुश करिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी पराठा बन के तैयार हो चुका है। गाइस, इसे मैं बड़े साइज में बना रही। अगर आपको छोटा बनाना है तो इसे छोटा बड़ा बना सकते हैं। मैंने इसे बड़ा ही बना के दिखाया है आपको, ताकि आपको समझ में आ सके कि इसकी लेयर कितनी अच्छे से बनती है। आज की मेरी रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए और एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। इस ट्रिक के साथ अगर आप चपाती या पराठा बनाएंगे तो आपकी चपाती बहुत लंबे समय तक सॉफ्ट रहेगी और बच्चों को लंच बॉक्स में देने में भी आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए तीसरे पराठे को तैयार करते हैं। इसे मैंने ट्रेंगल में शेप दिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसका शेप दे सकते हैं। इसे राउंड में भी आप बेल सकते हैं।
इसे दोनों साइड से पलटते हुए अच्छे से डीप फ्राई होने तक हम अच्छे से इसे सेक लेंगे ताकि ये बराबर से सिक जाए। इसमें आप जो चाहें आप इसमें यूज कर सकते हैं, बटर या घी या रिफाइंड आप कुछ भी इसमें लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं पराठा हमारा कितने अच्छे से सिक रहा है। गाइज आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें फ्लेम को हाई नहीं करना है, इसे मीडियम टू हाई पे ही सेकना है ताकि पराठा बिल्कुल नहीं जले और कलर बहुत अच्छा सा फ्राई होके निकले। अक्सर चपाती या पराठा बनाते हुए हम फ्लेम को हाई कर देते हैं कि झटपट से बन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। चपाती हमारी जल जाती है, पराठा भी हमारा जलने जैसा दिखने लगता है। अगर इसे मीडियम टू हाई पे सेकेंगे तो ये क्रिस्पी सा सीकेगा भी और बहुत अच्छा परफेक्ट तरीके से ये दिखाई भी देगा। आप देख सकते हैं लेयर एक दूसरे में कोई भी लेयर नहीं चिपक रही है, बहुत परफेक्ट तरीके से ये खुल जा रही है। गाइज मैंने इसे लच्छे पराठे की तरह बिल्कुल नहीं तैयार किया, ये नॉर्मल आटे की तरह ही तैयार किया है, फिर भी इसका लच्छा पराठा हम इजीली बना सकते हैं। गाइज सारे पराठे को मैंने ओनली एक एक पीस ही बना के आपको दिखाया है, मैं ज़्यादा नहीं बना सकती क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी नहीं है तो इसे खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने ओनली एक एक पीस करके ही आपको बना के दिखाया है। तो गाइज चलिए अब इसे सिंपल रोटी में बना के दिखाती हूँ कि इससे सिंपल रोटी भी कितने अच्छे से परफेक्ट तरीके से फुली फुली सी बनती है। गाइज इसकी सिंपल रोटी जो सादी रोटी होती है ये भी बहुत लंबे समय तक सॉफ्ट होती है और बहुत फुली फुली सी बनती है। इसे पलटते ही ये बहुत अच्छे से फूल जाती है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई है। तो गाइज इस ट्रिक के साथ आप चपाती को ज़रूर बनाएं, और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर पुश कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइज आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।